पंडित जी हो, एक एक भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठता से उस सपने को पूरा करने के लिए, वो हमारा सपना भी है, हमारी कमिटमेंट भी है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों का संकल्प है। उस संकल्प को नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सिद्धि तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर के विकास को चरम तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से हटाकर हमने टूरिज्म कैपिटल पहुंचाने की जो यात्रा शुरू की है उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भाजपा का हर कार्यकर्ता करता रहेगा। चरे वेती ना रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे। और निश्चित रूप से जो रविंदर राणा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक आइडियोलॉजिकल अभेद्य कुला बनेगी। हम आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम यहाँ के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा के। ओके, थैंक यू। सुरेंद्र जी, जैसे आज ज्वाइन किया आपने बीजेपी, क्या कहेंगे? आराम ना बैठ देखो। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है आज का, जो हमने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है, मकसद एक ही है कि इस देश को मजबूत करना है, इस रियासत को, यूटी जो है जम्मू कश्मीर, इसको मजबूत करना है। और आज कर खास करके खिता पीर पंचाल जो है वो आप सब जानते हैं कि 75 साल से बहुत पिछड़ा हुआ खिता है और हमेशा उससे भेदभाव हुआ है। सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में जो लीडरशिप है, आज जब हमने देखा, एक साल से मुझे पीडीपी छोड़े हुए हुआ, और जब मैंने देखा कि आज खिता पीर पंचाल से इनको काफ़ी लगाव है और खिता पीर पंचाल के लोगों से काफ़ी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप देखें अब ये गर्मियां आ गई हैं और खिता पीर पंचाल में बिजली की शार्टेज आ जाएगी। जब बिजली की शार्टेज आएगी तो वहाँ पानी, मोटरें जल जाएंगी, पानी नहीं होगा। वहाँ टूरिज्म के बड़े बड़े स्पॉट हैं, कभी उनको डेवलप नहीं किया गया। हम रेलवे कब की डिमांड कर रहे हैं कि रेलवे लाइन वहाँ से जानी चाहिए, कभी उन्होंने किसी ने दी। हमने 4 लेन रोडों की बात की, अभी तक वो 4 लेन रोड जो है वहाँ पर नहीं पहुँची। इसलिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, फिर बॉर्डर की हमारी वहाँ बटालियन जो खड़ी करनी है, वहाँ भर्तियों के, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिसके लिए आज हमें एक फैसला लेना पड़ा। और क्योंकि मेरे लोगों की भी एक राय बनी कि आज के माहौल में और जम्मू कश्मीर को अगर कोई मजबूत कर सकता है, इस देश को मजबूत कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। बाकी पार्टियां सिर्फ लोगों को झूठे वादे कर रही हैं 75 साल से, और सिर्फ उनको कभी दूसरे नारे, ऐसे वैसे नारे जो मैं यहां नहीं बोलना चाहता हूं, नारों पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और आज भी आप देखें काफ़ी सारे यूथ को वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये यूथ जो आने वाला हमारा भविष्य है इस देश का, ये गुमराह ना हो, इसको हम एक रास्ते पर लेके जाएं, इनके दिमागों में एक चीज़ भरी जाए कि पहले देश है, पहले रियासत है, उसके बाद सब कुछ है। अगर ये देश ही नहीं रहेगा, ये रियासत ही नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए ये देश को मजबूत करने के लिए, इस रियासत को मजबूत करने के लिए, बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए, डेली वेजरों की रेगुलेशन के लिए, बिजली, पानी और स्कूल, सड़कों के जो लोगों के मुद्दे हैं, और जैसे आप मेडिकल की हालत आप देखते हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, या जम्मू हमारे रजौरी पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनकी क्या हालत है, या चिनाब वैली में क्या हालत है, या कंडी बेल्ट में क्या हालत है, ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हमने जब विचार किया और हमने ये सोचा कि अगर आज लोगों का भला कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, पीडीपी का जहाँ ताल्लुक है, मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने भाषण में भी कहा कि पीडीपी को हमने धोखा नहीं दिया, पीडीपी ने मुझे धोखा दिया, और जब मुझे धोखा दिया तो समझो मेरे लोगों को धोखा दिया। और ठीक कहा रविंदर रैना साहब ने कि महबा जी 3 साल चीफ मिनिस्टर रही, वो कभी भी वहाँ गोले भी चले बॉर्डरों पे, सब कुछ हुआ, बॉर्डर के लोगों ने वोट भी डाला पीडीपी को, आपको पता है कि 28,000 वोट मैंने वहाँ से लिया था, लेकिन महबा जी कभी उस इलाके में नहीं गई। अगर बंकर की आई बात तो बंकर भी हमें दिल्ली से मिले, महबा जी ने कोई नहीं दिया। वहाँ रोजगार की, बॉर्डर की बात आई तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो जब हमने देखा कि महबा जी को सिर्फ वोट लेने से मतलब है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, वोट लेने के बाद सिर्फ उनको
अपनी कुर्सी से मतलब होता है। आपने खुद सुना होगा जिन कश्मीरियों की आज वो बात कर रही हैं, उन्हीं कश्मीरियों का जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो कहती थी ये कैंपों में दूध लेने जाते हैं, टॉफियां लेने जाते हैं, तो आज फिर वही महबा जी कह रही है नहीं जी इनके साथ जाती हो रही है। तो महबा जी जब आप वहां पे चीफ मिनिस्टर थी तो आपने ये कैसे कहा था कि दूध लेने जाते हैं, टॉफियां लेने जाते हैं, ये आपके दो रूप क्यों हैं? तो इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं आज आपको दिख रहा है कि भाई कश्मीरियों को के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो जब आप चीफ मिनिस्टर थी उसमें भी तो कश्मीर में पैलेट गन चल रही थी, आपने पैलेट गन क्यों नहीं रुकवाई थी? इसलिए महबा जी अगर मैंने पीडीपी छोड़ी तो वो जो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी थी उस एजेंडे से आज की पीडीपी कोसों दूर हो चुकी है। तो लिहाजा आज जो पीडीपी है ये मतलब फरोश लोगों की है और आप उसमें जानते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैंने पीछे कहा भी था जब मैंने छोड़ा था, बार बार मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता वहां कैसे लोग हैं। तो लिहाजा आज पीडीपी सिर्फ है वो सिर्फ ओहदे पाने के लिए, सिर्फ हुकूमत पाने के लिए, बाकी आप कहो कि लोगों से उनको हमदर्दी है वो नहीं, वो सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद को थी। थैंक यू। समीर जी देखिए, मैंने आपको जब मैंने ये छोड़ी थी आपकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी थी, मैंने उस समय भी ये कहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने एजेंडे से हट गई है। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जिस मकसद के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी वो एजेंडा आज नहीं है। और आप खुद मुफ्ती साहब को बड़ा नजदीक से जानते थे, आपने उनको बड़ी बड़ी इंटरव्यू किया था। मुफ्ती साहब का एक एजेंडा होता तो वो देश के होम मिनिस्टर भी रहे, वो हमेशा सेकुलर बात करते थे। आज पीडीपी सेकुलर नहीं रही, आज पीडीपी एक एजेंडे पर जा रही है, सिर्फ कश्मीर के एजेंडे पे, और वो सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे, उसको पाकिस्तान के सिवाय कोई दिखता नहीं है, और वो कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह कर रही है। यही महबूबा जी, मैं ये क्यों कहता हूँ इसका रीजन है, यही महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी आपके सामने उन्होंने कहा कि कैंपों में नौजवान क्या लेने जाते हैं, दूध पीने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, टॉफी लेने जाते हैं, तो आज जब वो कुर्सी से उतर गई है उसको फिर कश्मीरियों का दर्द उसको दिखने लग गया। तो जब वो हुकूमत में थी तो उसमें नहीं उसको दिखा, जब वो हुकूमत में थी तो जब कश्मीरियों के बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, उनके पैलेट गनों से आंखें निकाली जा रही थी, उसमें महबूबा जी को नहीं दिख रहा था। इसलिए आज जो महबूबा जी हैं वो महबूबा जी जब हुकूमत में होती हैं वो अलग महबूबा जी होती हैं, और जब हुकूमत से बाहर होती हैं तो उसमें उनको पाकिस्तान याद आता है, कश्मीरियों का दर्द है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद चाहे हुकूमत में होता था चाहे बाहर होता था वो हमेशा पूरे हिंदुस्तान की बात करता था, वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता था। देखिए भाजपा पार्टी आज आप देखें, हमने जब देखा आज जम्मू कश्मीर के हालात देखें, आज उस कैलिबर का कोई लीडर यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत के नहीं है जो जम्मू कश्मीर रियासत को इकट्ठा कर सके। आज इस जम्मू को, कश्मीर को, इवन के लद्दाख को इकट्ठा करने की जरूरत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सब कौमों को साथ ले चलने की जरूरत है। और आज भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रही है। और मुझे बताएं कौन सी पार्टी कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर रही। इसलिए इस पार्टी का जब एजेंडा हम देख रहे हैं, जब इनकी अप्रोच देख रहे हैं, आप कश्मीर में भी देखो ये अप्रोच कर रहे हैं, रजौरी पुंछ के अंदर भी, चिनाब वैली के अंदर भी अप्रोच कर रहे हैं, इनकी एक पॉजिटिव अप्रोच है। उस पॉजिटिव अप्रोच को देखे जाए, जब हमें लगा कि नहीं इस पार्टी में जाके हम लोगों का भला कर सकते हैं, हम लोगों के काम करवा सकते हैं, इस रियासत को मजबूत कर सकते हैं, इस देश को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मेरे भाई देखिए, ये सियासत है ना, यहाँ सदा कोई दोस्त है ना सदा कोई दुश्मन है। जब मैं वहाँ था पीडीपी में तो उस पार्टी का लॉयल्टी से हमने वहाँ डिफेंड किया है, चाहे लीडरशिप कोई गलत भी बोलती थी तब भी हम डिफेंड करते थे। आज यहाँ पे तो यहाँ अब जिस पार्टी, देखिए मैं एक किसी कैडर का वहाँ पे एक सिपाही था, आज यहाँ पे सिपाही बना हूँ, तो सिपाही का हमेशा फर्ज होता है कि उसका 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 लीडर जो बात कहे उस बात को मानना, और इसलिए मैं उस बात को लेकर चलता हूँ। बाकी रही बात कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थे, हम मिशन 50 प्लस की बात की, ये लगता है अब आने से जो है मिशन 50 प्लस से भी ज़्यादा टारगेट जो है भारतीय जनता पार्टी। आप 50 क्यों कह रहे हैं, आप 90 की 90 क्यों नहीं कहते? कोई कह सकता है 50 तक, ये 90 भी हो सकता है। इसलिए ये आप कुछ नहीं कह सकते, आप फिक्स मत करें। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको तय कर देता हूँ कि आने वाली हुकूमत, ये ढंके के चोट पे कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में होगी, बाकी सारी पार्टियों की जमानतें जमत होगी, ये मेरे से लिखवा लें। देखिए भैया सुनामी पंजाब के हालात कुछ हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं, और सोशल मीडिया से कभी पार्टियाँ नहीं बनती, पार्टियाँ हमेशा बनती हैं वर्कर से। और जब आप मुझे बताएं
जम्मू कश्मीर में उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? आप मुझे बताएं 90 सीटें हैं, 90 में उनके कैंडिडेट कौन कौन से हैं? जिनका कैंडिडेट नहीं पता, जिनका चीफ मिनिस्टर नहीं पता, जिनका माई बाप यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई नहीं पता, तो आप कहते हो वो हुकूमत बनाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है कि सामने नरेंद्र भाई मोदी हैं, आपको पता है अमित शाह साहब हैं, ये इतनी बड़ी लीडरशिप आपके सामने खड़ी है। नहीं सुनिए मेरी बात, नाराज होते तो हमें क्यों लाते, कोई नाराज ना, ये कैडर उनका बोल रहा है, इन लोगों को लाओ, ये लोगों का प्यार, अगर भारतीय जनता पार्टी का लोगों का प्यार ना, उनके कैडर का प्यार ना हो तो सुरेंद्र चौधरी यहाँ बैठ के आपको बाइट ना देता हो। इसलिए ये लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो उनका कैडर है, ये उनका प्यार है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए उनके प्यार के बगैर हम अधूरे हैं। आज पुरानी भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है और जो हमारे लोग हैं, ये मिल के भारतीय जनता पार्टी को 50 क्या 90 तक पहुँचाएंगे। अरविंद जी ने कहा कि विपक्ष में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे, सिर्फ 2 से 3 लोग बच गए हैं, उनके बारे में कहते हैं वो भी जल्द आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना ये सियासत है भैया, सियासत में ये पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है, किसने रोका थोड़ा है। और ये सियासत में आप कहें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ अच्छे लोगों की कदर है, और अगर कदर है तो तभी सुरेंद्र चौधरी यहाँ पे है, तो पीडीपी ने नहीं कदर की तो छोड़ के आ गए, और कहते हैं जरा छड़िया ग्रां उदा की लेना ना। थैंक यू।